हेलो फ्रेंड्स, मैं पुष्पेंद्र धाकड़ स्वागत करता हूं आपका धाकड़ एकेडमी में। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले मॉडल्स। मॉडल्स क्या होते हैं? मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब ही होते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, ये हमारे मूड्स को शो करते हैं, हमारे भाव को शो करते हैं, इसलिए इनको मॉडल्स कहा जाता है। जो बेसिक इंग्लिश में हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और स्पोकन इंग्लिश में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मॉडल्स, तो इसलिए हम इन मॉडल सीरीज को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मॉडल्स के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। मॉडल्स जो होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करते हैं। जैसे कि प्रीवियस में हमने टेंस पढ़ा था, तो टेंस में आपके क्या थे, एज, एम, आर, डू, डस थे, तो उसी तरीके से यहाँ पर मॉडल्स में जो हेल्पिंग वर्ब है उसकी जगह मॉडल्स आ जाते हैं, ठीक है। सेकेंड थिंग ये कि जो मॉडल, जब भी हम मॉडल्स पढ़ते हैं तो हमेशा उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगता है। मॉडल्स में हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, ये चीज़ आप लिख लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, मतलब ये आप रट लीजिए कि मॉडल जब भी आप यूज़ करते हैं तो यू हैव टू यूज़ फर्स्ट फॉर्म। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले हम पढ़ते हैं यूज़ ऑफ कैन, सी ए एन, कैन। कैन का यूज़ हम कब करते हैं? जब भी किसी भी वाक्य के या सेंटेंस के लास्ट में सकता है, सकती है या सकते हैं आता है, तो हम कैन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं खाना बना सकता हूँ, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, मैं गाना गा सकता हूँ, तो इस तरह के सेंटेंस में हम कैन का यूज़ करेंगे। लेकिन कैन का यूज़ इसी तरीके से हम हर जहाँ पर सकता या सकना हो वहाँ पर हम नहीं करते। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, मैं कुछ रूल्स हैं, अगर आप उनको ध्यान रखेंगे तो आप आसानी से समझ सकते हैं कैन का यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं। तो पहली चीज़, हम कहीं अपनी एबिलिटी शो करें, अथॉरिटी शो करें, तो वहाँ पर हम कैन का यूज़ करते हैं। जैसे मैं गाना गा सकता हूँ, तो गाना गाने एक एबिलिटी होती है, तो आई कैन सिंग अ सॉन्ग। तो चलिए अब हम समझते हैं वन बाय वन कैसे यूज़ करना है हमें कैन का। आपको पता ही है कि तीन तरह के सेंटेंस होते हैं हमारे, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव, और चौथा सेंटेंस आपका होता है इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है, सब्जेक्ट प्लस मॉडल। अब मॉडल यहाँ पर कैन है, तो सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सिंपल है। अगर आपको टेंस आता है तो इसको तो करने में आपको दिक्कत होगी ही नहीं। क्या है आपका ये, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये जितने भी मॉडल्स हैं सबका यही फॉर्मूला है पॉजिटिव या सिंपल सेंटेंस का। जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं अपने कैपेसिटी की या एबिलिटी की। मैं 1 लीटर पानी पी सकता हूँ, तो ये मेरी एक मैंने कैपेबिलिटी बताई, तो आई कैन ड्रिंक 1 लीटर वाटर, आई कैन ड्रिंक 1 लीटर वाटर। अब मैं एबिलिटी शो करता हूँ, जैसे मेरी एक ताकत, मैं 50 किलो वजन उठा सकता हूँ, जैसे कि मैं कैपेसिटी बताऊँ अपनी, मैं 50 किलो वजन उठा सकता हूँ, तो आई कैन लिफ्ट 50 kg वेट, आई कैन लिफ्ट 50 kg वेट। ये हमारा हो गया कैपेसिटी, एबिलिटी की बात हो गई है। हम अगर किसी से रिक्वेस्ट भी कर रहे होते हैं तो हम कैन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे क्या मैं गाना गा सकता हूँ, कैन आई सिंग अ सॉन्ग। कैन का यूज़ हम किसी पॉसिबिलिटी में भी कर सकते हैं, जैसे कि तुम इस रास्ते से जा सकते हो, यू कैन गो बाय दिस रोड। अब ये तो पॉजिटिव में हो गया, नेगेटिव में क्या करना है? जैसे मैं इसको नेगेटिव में भी बता दूं, तो आप जानते ही हैं कि हेल्पिंग वर्ब में नॉट लगता है, तो यहाँ पर कैन नॉट हो जाएगा, कैन नॉट या कांट, आई कांट। जैसे मैं 50 किलो वजन नहीं उठा सकता, मैं 50 किलो वजन नहीं उठा सकता, तो आई कैन नॉट लिफ्ट 50 kg वेट, आई कैन नॉट लिफ्ट 50 kg वेट। अब क्वेश्चन कर लें इसी को, तो क्या मैं 50 किलो वजन उठा सकता हूँ, क्या मैं 50 किलो वजन उठा सकता हूँ, तो क्या होगा इसका, क्वेश्चन बन गया। तो सबसे पहले आपका मॉडल आएगा, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। तो आपका मॉडल यहाँ पर कैन है, तो कैन आई लिफ्ट 50 kg वेट, क्या मैं 50 किलो वजन उठा सकता हूँ, कैन आई लिफ्ट 50 kg वेट। तो बेसिकली हमें ध्यान रखना ये होता है कैन में कि हम इसको कहाँ कहाँ बोल सकते हैं। तो इस तरीके से हम कैन को एबिलिटी में बोले और कैपेसिटी में बोले। अब हम इसको सरकमटेंस पॉसिबिलिटी में भी यूज़ कर सकते हैं। सरकमटेंस पॉसिबिलिटीज़ क्या होती है ये समझिएगा। जैसे मान लीजिए मैं कहीं गया और मैंने बोला कि भैया ये रास्ता सही है क्या, मैं यहाँ से जा सकता हूँ क्या, तो बोलेंगे हाँ ये रास्ता सही है, आप जा सकते हैं।
हाँ ये रास्ता सही है, आप जा सकते हैं। तो ये सर्कमटेंस पॉसिबिलिटी में आएगा। जैसे मैं किसी से क्वेश्चन करूंगा, जिससे पूछूंगा कैन आई गो बाय दिस रोड, तो सामने वाला बोलेगा अगर वो रोड ओके है तो वो बोलेगा यस यू कैन गो बाय दिस रोड, क्योंकि उसने पॉसिबिलिटी बता दी कि ये चीज़ सही है। जैसे आप कहीं मार्केट में जाते हैं, आप कहते हैं कि क्या मैं यहाँ पर गाड़ी पार्क कर सकता हूँ, तो सामने वाला कहेगा कि हाँ अगर वो जगह सही है तो बोलेगा यस यू कैन पार्क योर व्हीकल, यू कैन पार्क योर बाइक, जैसे भी बोलना हो उसको, यू कैन पार्क योर बाइक हेयर, हाँ आप आपकी गाड़ी यहाँ पार्क कर सकते हैं। तो ये भी एक सर्कमटेंस पॉसिबिलिटी ही है। तो इसी तरीके से आप कैन का यूज कर सकते हैं। कैन का यूज जनरली जब हम यूज कर कोई क्रोधित व्यक्ति हो, एंगर में यूज कर सकते हैं, इम्पेशेंट में हम कैन का यूज कर सकते हैं। जैसे हाउ कैन यू डू दिस, हाउ कैन यू डू दिस, आप ये कैसे कर सकते हो, हाउ कैन यू डू दिस, आप ये कैसे कर सकते हो। जब हम किसी से गुस्से में बोल रहे होते हैं कि तुम ये कैसे कर सकते हो, तो हाउ कैन यू डू दिस। तो इस तरह के सेंटेंस में जो गुस्सा शो करना, अपना एंगर शो करना, इम्पेशेंट शो करना, अधीरता जिसको हम कहते हैं, तो उसमें भी हम कैन का यूज़ करते हैं। तो इसी के साथ हम कैन का यूज़ ये सिंपल तरीके से कर सकते हैं। तो गाइज ये आपके यूज़ ऑफ कैन था। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे यूज़ ऑफ मे। एक्चुअल में मे और कैन दोनों को साथ पढ़ने का रीज़न ये कि क्योंकि दोनों का ही मतलब सेम होता है। अब दोनों का यूज़ लेकिन थोड़ा डिफरेंट होता है, यूज़ करने का तरीका थोड़ा अलग होता है, इसलिए मैं आपको दोनों को साथ में पढ़ाऊँ ताकि आप उनको दोनों को कंपेयर करके उस चीज़ को हम समझ सकें। जिन भी सेंटेंस के लास्ट में सकता है, सकती है, सकते हैं आता है, तो उसमें भी आप मे का यूज़ कर सकते हैं। बट कैन का यूज़ हम जहाँ करते हैं वहाँ पर आप मे का यूज़ नहीं कर सकते। जैसे एक प्रकार से मैं मान लूँ कैन का यूज़ होता है रूड टाइप, रूड, और मे का यूज़ होता है पोलाइट। जब आप रूड हैं तो कैन का यूज़ करें और जब आप पोलाइट हैं तो मे का यूज़ करें। तो जब सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आप जब मे का यूज़ करते हैं किसी को हेल्प मांगने में करते हैं, हेल्प देने में करते हैं, इनफॉर्मल वे में। जब आपको से कोई हेल्प नहीं मांग रहा हो तो आप हेल्प दे रहे हैं तो आप मे का यूज़ करते हैं, या फिर आप किसी से हेल्प लेने की बात कर रहे हैं तो आप वहाँ पर मे का यूज़ करते हैं। जैसे किसी भी स्टोर में जाते हैं तो वहाँ पर आपसे स्टोर कीपर या जो भी व्यक्ति वो क्या कहता है, या शॉपकीपर जो होते हैं वो क्या कहते हैं, मे आई हेल्प यू सर, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मे आई हेल्प यू सर, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अब चूंकि ये क्वेश्चन था इसलिए पहले आपका आएगा मॉडल मीन्स मे, देन सब्जेक्ट, देन आपका वर्क का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, मे आई हेल्प यू सर। जब भी आप स्कूल में या कॉलेज में या कहीं भी रहते हैं तो आप जब आपको वॉशरूम जाना होता है, टॉयलेट जाना होता है, तो आप क्या कहते हैं, मे आई गो टू टॉयलेट सर, मे आई गो टू टॉयलेट सर, क्या मैं टॉयलेट जा सकता हूँ सर। तो यहाँ पर आप पोलाइट बोलेंगे, किसी से भी रिक्वेस्ट करेंगे तो पोलाइट करेंगे, इसलिए आप यहाँ पर मे का यूज़ करें ना कि कैन का। कैन का यूज़ आप करेंगे तो यहाँ पर वो रूड वे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रूड तरीका हो जाएगा। तो आप अगर पोलाइट वे में जाना चाहते हैं आप यहाँ पर मे का यूज़ करेंगे। अब सेकेंड चीज़, अब ये तो हो गया हेल्प मांगने वाला, अब ऑब्वियसली बात है आप गुस्से में इम्पेशेंट में तो मे का यूज़ कर नहीं सकते क्योंकि मे तो पोलाइट होता है। अब इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, जब आप पॉसिबिलिटी बता रहे हो, पॉसिबिलिटी शो हो रही हो, तो भी आप मे का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन पॉसिबिलिटी दो तरह की, एक पॉसिबिलिटी आपका जो हमने अभी कैन की जो पॉसिबिलिटी थी वो आपकी कैसी थी, सर्कमटेंस पॉसिबिलिटी थी। इसकी जो पॉसिबिलिटी वो पॉसिबिलिटी थी, नॉर्मल पॉसिबिलिटी में हम मे का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर रिमोट पॉसिबिलिटी हो तो वहाँ पर आप माइट का यूज़ करते हैं। अब रिमोट पॉसिबिलिटी क्या होती है और पॉसिबिलिटी क्या होती है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे पॉसिबिलिटी कोई भी नॉर्मल चीज़ कि ऐसा हो सकता हो, जैसे कि आपने कह दिया कि बारिश हो सकती है, इट मे बी रेन, इट मे बी रेन। जैसे आप कह सकते हो कि मैंने 100 टिकट खरीदे हैं लॉटरी के, तो मेरी लॉटरी शायद लग जाए या मेरी लॉटरी लग सकती है, तो इसको आप बोल सकते हैं कि आई परचेज्ड 100 टिकट्स ऑफ लॉटरी, आई मे विन, आई मे विन। लेकिन अगर यहाँ पे ये हो जाए कि मेरे 2 टिकट या 3 टिकट की लॉटरी लग जाए, तो ये रिमोट पॉसिबिलिटी है, और लेकिन मैं जीत सकता हूँ, मतलब मैंने 100 टिकट खरीदे मैं जीत सकता हूँ, ये नॉर्मल पॉसिबिलिटी हो गई। तो यहाँ पर आप मे का यूज़ करें। जहाँ भी नॉर्मल पॉसिबिलिटी होती है कोई भी चीज़ पॉसिबिलिटी, जहाँ पर हम जैसे भी पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, तो वहाँ पर आप मे का यूज़ कर सकते हैं। अब एक मे का यूज़ दूसरा आपका होता है विशेज में, आप किसी को विश देते हैं, ब्लेसिंग देते हैं, इन दोनों में आप मे का यूज़ कर सकते हैं। मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग लाइफ, मे यू लिव लॉन्ग लाइफ। तो इस तरह के सेंटेंस, मे गॉड ब्लेस यू आप कई बार बोलते हैं, मे यू लिव
लॉन्ग लाइफ, मतलब जब किसी को दुआ दे रहे हों या फिर किसी को विशेष दे रहे हों, शुभकामना दे रहे हों, बधाई दे रहे हों, जब बर्थडे की बधाई या किसी भी चीज़ की बधाई, तो आप उसमें जनरली मे वर्ड यूज़ करते हैं, तो वो मे का यूज़ यहीं होता है। सो गाइस, इसी के साथ आपका जो कैन का और मे का जो डिफरेंस के साथ जो मैंने आपको बताया है वो था, और इसी के साथ हमारा मॉडल्स का पहला लेक्चर भी फिनिश होता है। तो गाइस, आप समझ गए होंगे कि जो इसका फॉर्मूला स्ट्रक्चर है वो तो कोई खास है नहीं है, जैसा टेंस का था वैसा ही इसका है, नेगेटिव हो चाहे इंटरगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। बस यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात क्या थी कि आपका हमेशा आपको मॉडल्स के अंदर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, मॉडल्स को हेल्पिंग वर्ब की जगह यूज़ करना है, बस बाकी सब सिंपल है। तो होप यू गाइस आपको ये समझ में आया होगा। तो आगे के नेक्स्ट वीडियोस में और नेक्स्ट मॉडल के साथ आता हूँ। अगर कोई फीडबैक है आपके पास वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज फीडबैक दें फीडबैक सेक्शन में। और हाँ, और आप इस कोर्स को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने जितने भी लोग आप जानने वाले सबको रिकमेंडेड जरूर करें अगर आपको ये कोर्स अच्छा लगता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।